बाहर जाने का कोई फायदा नहीं, उससे कोई मुझे सेविंग नहीं था, उसमें मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं था। उससे मैंने सोचा कि मैं जॉब छोड़ के ऑनलाइन अपना काम। तो मेरी ऐसी बहुत सारी दोस्त हैं जिनकी मैं हेल्प करती हूँ, जिनको मैं काम कुछ ना कुछ देती हूँ, और उनका भी फायदा हो जाता है, उसके साथ साथ मेरा भी फायदा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। इसमें अनीता सरफराज, आप देख रहे हैं अनीता सरफराज यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ किसी काम से बाहर, मेरी गाड़ी आ चुकी है, जाते हैं काम करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। और गाड़ी मेरी शायद वो खड़ी है, वो इतनी दूर खड़ी है, उसको बुलाते हैं। ठीक है जी, अब देख सकते हैं हमारी गाड़ी आ गई, इतनी दूर जाके खड़ी हो गई थी, अभी जल्दी से इसमें बैठते हैं। मैं लेट हो रही हूँ, पहले काम पर पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। काम हो चुका है, अब देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। तू सी, कैन आई टच यू? नो। कैन आई टच यू लूसी? नो। उसका कलर ना प्यारा है दूसरे वाले का, उसका कलर। प्लीज लेट मी डू। और ये भी गुस्सा। आई लव यू। बस ये काटते नहीं है। नहीं काटते। टच करने नहीं दे रही। काटते नहीं है। नहीं काटते। वो उसको टच करने नहीं दे रहे, और ये जो डॉग्स हैं इनके हैं, और इन्होंने हमें अभी इजाज़त दी है, लेकिन ये ये मेरी बहनों को टच करने नहीं दे रही। अच्छा, खुदा से दादी बोलोगे, मैं तो खा दूँ। हाय, इतनी भी क्यूट है। सारे आ गए, प्यार करो, उसको भी करो ना, वो कह रहा मुझे भी करो। ओके ओके, लेट मी लव यू। तो गाइस, ये जो लाल वाली है ना, बीच वाली, ये इनकी अम्मी है दोनों की, लेकिन वो भी इनकी अम्मी तो नहीं लग रही, वो ट्विन्स ही लग रहे हैं सारे, लेकिन वो जो येलो वाली बीच में है वो इनकी अम्मी है। हाँ, बस अभी इतना भी प्यार ना करना कि तुम्हें काट दे। नहीं काटते यार, ये काटते नहीं है, प्यार चाहते बस, और कुछ नहीं करते। मोरे इतनी कोई क्यूट है, इन पे प्यार आ रहा है, मेरी बहन इनको छोड़ ही नहीं रही है, अभी नहीं चाहिए। आ गया इन पे भी, घर लेके जाऊं? बस आ जाओ, अभी बस कर दो। दिल आ गया मेरा, बाय बाय। तो गाइस, अभी माया मेट्रो स्टेशन, और मेरे साथ ही मेरी बहन, अभी हम जा रहे हैं। तो मैं अभी गाइस, मम्मी मुझे बताने लगी कि रात में क्या खाना लेके आना है। तो मम्मी बताओ क्या लेके आना रात को खाने में, आज मेहमान आए हुए ना हमारे घर पे। तो गैस, मैं गई थी काम से आज बाहर, और पूरा दिन बाहर निकल गया, फिर मैं आ गई थी घर। अभी मैंने चाय शाय पी ली है, खाना मैंने नहीं खाया आज, लंच नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं की है, बस मैंने चाय पी है। और अभी मैंने जा रही हूँ बहन के साथ फिर बाहर किसी काम से, और जाते हैं, वो काम करते हैं, फिर हमने रात का खाना भी वापसी पर आते हुए लेके आना है। हमारे घर पर आए मेहमान, मेरी जो बहन है शनाज बाजी की, जो है ना सासू मोम आई हुई है, तो उनके लिए कुछ खाना शाना का सीन बनाना है। तो जाते हैं, बहन का काम करते हैं, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं, फिर खाना बनाना है, और फिर जो भी करते हैं, जो भी करना है, फिर वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे साथ साथ। और मैं आज सर धो के गई थी, तो मेरे बाल अभी थोड़े बहुत सूखे हैं, और अभी बम फटने वाला है, तो बम फटने से पहले हम जाते हैं अपने बाकी काम भी करके, फिर आते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आज के दिन में हमारे साथ क्या होता है, हम क्या करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरी वीडियो को करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और दूसरा ये कि अभी मैंने रिसेंटली एक व्लॉग अपलोड की, आज का जो व्लॉग है, जिसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की है, जिसमें मैंने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर की है, जो कि बहुत सारे फीमेल्स घर बैठे कर सकते हैं, और किस तरह से आप कमा सकते हैं। जिस तरह की आपको पता है, आजकल सारे लोग जो है ना, वो चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ कमाएँ, वो कुछ ना कुछ अर्न करें, और बहुत सारी ऐसे फीमेल्स हैं, ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो चाहती हैं वो काम करें, लेकिन मसला क्या है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती, या फिर ऐसा है कि आजकल के हम घर से बाहर भी जाएँ तो मसला ये होता है कि बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, मतलब कि आने जाने का, खाने पीने का, इतने पैसे लग जाते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल जॉब करते हैं,
अगर आप जॉब करें भी तो आपको मैक्सिमम 30,000-20,000 या मैक्सिमम 35,000-40,000 पैसे आपको मिलते हैं, जिससे आपका कोई गुजारा नहीं। जो आपके आने जाने के जो कॉस्ट है वो मोर देन 30,000 लग जाते हैं, लाइक इवन कि 40,000 भी लग जाते हैं, सिर्फ ट्रेवलिंग कॉस्ट और खाने पीने को माइनस करके। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप कोई स्मॉल बिजनेस या कोई स्मॉल ऑनलाइन काम स्टार्ट करें, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो और घर बैठे आपको उससे प्रॉफिट मिले और आपको बाहर जाना भी ना पड़े और आपको घर बैठे ही अपना काम आपका स्टार्ट हो जाए और आपका ज़बरदस्त जो है ना वो इनकम आना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मेरा जो पिछला वाला व्लॉग है वो जाके आप देख सकते हैं। और दूसरा ये कि मेरी आप बात सुने तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करें, ऑनलाइन काम करें। ऑनलाइन तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश किया करें कि आप ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें देखें कि आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि यार तुम क्या काम कर रही हो, तो हमारी कुछ हेल्प कर दो या फिर कुछ भी काम हो तो हमें बता दिया करो ताकि हम भी कुछ ना कुछ कर सकें। तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी मैं हेल्प करती हूँ, जिनको मैं काम कुछ ना कुछ देती हूँ और उनका भी फ़ायदा हो जाता है, उसके साथ साथ मेरा भी फ़ायदा हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कुछ अर्न करें, कुछ सीखें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ और आपको आइडियाज़ दूँ, टिप्स दूँ कि किस तरह आप अर्न कर सकते हैं और किस तरह मैं अर्न करती हूँ और मैं किस तरह कमाती हूँ। तो मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी, लेकिन उसका जो जॉब का मुझे इतना नहीं मिल रहा था जितना मुझे उसके आने जाने के कॉस्ट लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं घर बैठे ही काम करना बेहतर है, इससे अच्छा है कि मतलब बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। उससे कोई मुझे सेविंग नहीं था, उसमें मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं था। उससे मैंने सोचा कि मैं जॉब छोड़ के ऑनलाइन अपना काम जो मेरा चल रहा है उसी पर मैं ज़्यादा काम करूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करूँ। तो अभी मैंने अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट की हुई है। तो आप लोगों को अगर जानना है कि मैं क्या काम करती हूँ, कैसा काम करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको टिप्स दूँ, आपको आइडियाज़ दूँ, ताकि मैं आप लोगों को टिप्स दूँ, आइडियाज़ दूँ और उस पर मैं एक ज़बरदस्त व्लॉग बनाऊँ। तो आप मुझे कमेंट्स बताएं अगर आप लोग जानना चाहते हैं क्या काम कर सकते हैं और किस तरह प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को टिप और आइडिया के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना के दूँ। ओके, तभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कैसे भी वहाब के लिए शूज़ पसंद कर रही हूँ और वहाब को कोई भी शूज़ पसंद नहीं आ रहा, तब मुँह बनाया हुआ कहते खाला मुझे चूज़ करके ना दो, इसको मेरी पसंद नहीं पसंद आ रही है। इसको ये ट्राई करा रहे हैं, ये इसको साइज़ पूरा आता है कि नहीं। तो कैसे भी फाइनली हमें शूज़ एक पसंद आ गई और हमने शूज़ ले ली। वहाब को शूज़ पसंद कराना इज़ अ बिग टास्क, क्यों हज़रा इतने मुश्किलों से वहाब को ये पसंद आया। अभी वहाब पसंद आ गई तुम्हें, कन्फर्म है वापस से नहीं कराओगे? कल मैंने इसके लिए अपनी पसंद के एक शूज़ लेके गई थी, इसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पसंद, और आके आज इसने वापस कराया और अपनी पसंद से दोबारा इसे शूज़ लिए। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, मैंने चावल चिकन दही ले लिया है और मेरे हाथ बिल्कुल खटने वाले हैं और मेरी दोनों बहनों के हाथ आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। जहमत नहीं की किसी ने कि मुझसे एक शापर पकड़ लें। ये पकड़ो, मेरे हाथ देखो खटने वाले हैं, ये देखो पकड़ो, एक दही पकड़ो, ये वाला पकड़ो, शुक्रिया। अब चलो, तो गाइस अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुकी है और मैं अपना व्लॉग एंड करना भूल गई थी क्योंकि रात को आए हुए थे हमारे घर में बहुत सारे मेहमान जिनके साथ टाइम गुजर गया और टाइम का पता ही नहीं चला, और फिर मैं व्लॉग का एंड करना भूल गई थी। तो मैंने सोचा अभी मैं व्लॉग का पहले एंड कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम अगला व्लॉग स्टार्ट कर देंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं कल किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।